प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए इस विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है और पूरी तरह बनने के बाद यशो भूमि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में एक हो जाएगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसमें 15 कन्वेंशन हॉल और 13 मीटिंग हॉल का निर्माण किया गया है। ये एक साथ कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजन इसमें किए जा सकेंगे। यशो भूमि के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। खबर यह भी है कि इस दौरान पीएम मोदी धौलाकुआ से द्वारका सेक्टर 25 तक मेट्रो से भी यात्रा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को आर्थिक सहायता देना है। ये योजना कारीगरों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा और मजबूती देने में बहुत कामगार साबित होगा। ये कारीगरों तक उत्पाद और सर्विस को सही से पहुंचाने में भी मदद करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपए का टूल किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वकर्मा योजना की बड़े स्तर पर लॉन्चिंग के लिए देश भर में 70 शहरों में केंद्र सरकार के 70 मंत्री मौजूद रहेंगे। विश्वकर्मा योजना के लॉन्च के मौके पर मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित दरगाह हजरत निजामुद्दीन में उनकी दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह 11 बजे सामूहिक दुआ का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में आयुष्मान भव अभियान चलाने वाला है। फिक्स डिपॉजिट खोल लूं के मुताबिक इसी बीच रूस दौरे पर गए किम की उन तस्वीरों ने जापान की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी, जिनमें वो एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री में दिखे, क्योंकि इसके बाद ही ये चर्चा तेज हो गई कि उत्तर कोरिया रूस से खतरनाक लड़ाकू विमान खरीद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। दावा किया गया कि इसी बात से घबराए जापान ने उत्तर कोरिया के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने और आपसी विवादों को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि परिसर का एक्सक्लूसिव नक्शा सामने आया, जिसमें 70 एकड़ इलाके में कहां पर क्या बन रहा है उसे सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया। और इस नक्शे में मुख्य मंदिर, मंदिर परिसर और तीर्थ क्षेत्र परिसर समेत सभी जगहों को दिखाया गया। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए मंदिर के भूतल को तैयार किया जा रहा है।